हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने स्टेटस पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि कल हम लोग एक लाइव की स्टडी करने जा रहे हैं यूट्यूब स्ट्रीमिंग के थ्रू, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और लॉकडाउन के दौरान कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, खासकर वो बच्चे जो 12th पास आउट हो चुके हैं कि सर कोई केस स्टडी वगैरह हमारे लिए भी बनाई जाए जिसमें कि हम लोग भी आपके साथ इंटरेक्ट हो सके। तो स्टूडेंट्स, कल एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कस्टमर लॉयल्टी, कि किस कैसे एक कंपनी, कैसे बड़े बड़े जो आज इतनी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, वो कस्टमर लॉयल्टी का कंसेप्ट बड़ा फॉलो करती हैं। इवन आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, एक डिपार्टमेंट बनाना क्रिएट, जैसे एक टाइम हुआ करता था कि HR डिपार्टमेंट स्टार्टिंग हुई थी तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। आज उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज कस्टमर लॉयल्टी को चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तैयार कर रही हैं। कितना बड़ा रोल प्ले करता है कस्टमर लॉयल्टी आपके बिजनेस में, चाहे आप एक छोटे दुकानदार हैं या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं या आपका खुद का कोई भी छोटा सा भी कोई आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे आप डांस सिखाते हैं या कोई शॉप चलाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कस्टमर लॉयल्टी का जो टॉपिक है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो साइंस का स्टूडेंट हो, वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप या आपके पेरेंट्स जो उस क्या कहते हैं शॉप को या जो भी आपका अपना काम है उसको रन करते हो, उसके लिए कल हमारे साथ जरूर जुड़िए 1 बजे दोपहर को यूट्यूब पे JMS प्रोग्रेस पॉइंट का जो चैनल है उस पर जुड़िए आप और समझिए कि क्या होता है कस्टमर लॉयल्टी का एग्जैक्ट।